तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडिया लॉस्ट इन नेपाल के अंदर। जैसे कि आपने हमें सुजेशन दी है कि रिएक्शन दो भाई साहब चार मंथ ओल्ड सॉन्ग के अंदर, ये है प्रमोद खारेल जी का सॉन्ग। मैं आपको सच बताऊँ, बात बताऊँ, प्रमोद खारेल जी को मैं पहले नहीं जानता था, रिएक्शन मैंने दी थी। पर भाई साहब जो वॉइस ऑफ किड्स नेपाल के अंदर जज है ना, जज वो ऐसे हेयर ऐसे कर्ली टाइप वाले, वो प्रमोद खारेल जी हैं, मुझे अब पता चला उसके बारे में। तो इसलिए अब उनका सॉन्ग हम देखने जा रहे हैं, ए माया, जो कि आपने बताया है। इसमें विक्रम बुद्धा थोकी विदा थोकी उषा और प्रीति जी भी हैं। चलो पहले इस सॉन्ग को देख लेते हैं यार, उसके बाद ही बातचीत करेंगे। सो गाइज 1 2 3 नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्ले। मौत खा रहे हेर, घरमा बुवाले मेरो बिहे फिक्स गरिदिइसक्नु भयो, अब मलाई बिर्सिदेऊ प्लिज। सास रोकी मात्रा तिम्रो याद मेटिन्छ, जति खोजे पनि धोकेबाज भेटिन्छ। सास रोकी मात्रा तिम्रो याद मेटिन्छ, जति खोजे पनि धोकेबाज भेटिन्छ। हिजो तिमी भए सबै पुग्छ भन्थ्यौ, आज तिम्रै कारण मुटु दुख्छ भन्छौ। हिजो तिमी भए सबै पुग्छ भन्थ्यौ, आज तिम्रै कारण मुटु दुख्छ भन्छौ। म त पागल भए, म त बहुला भए, म त पागल भए, म त बहुला भए। ए माया, ए माया, धोका दिनु तिम्रो लागि सानो कुरा थियो, त्यही कुराले आज मलाई दिनु पीडा दियो। उनका भाई होगा शायद, ये गलत है, गलत। धोका दिनु तिम्रो लागि सानो कुरा थियो, त्यही कुराले आज मलाई दिनु पीडा दियो। हिजो तिमी काट्छु भन्थ्यौ, आज अर्कैसँग मुटु साट्छु भन्छौ। हिजो तिमी सँगै जुनी काट्छु भन्थ्यौ, आज अर्कैसँग मुटु साट्छु भन्छौ। म त पागल भए, म त बहुला भए, म त पागल भए, म त बहुला भए। तिम्रै थियो खाँचो, रुन एक्लै काफी भो, तिमी सँगै खुसी टाढा भो, मृत्यु मात्र बाँकी भो। हाँस्न तिम्रै थियो खाँचो, रुन एक्लै काफी भो, तिमी सँगै खुसी
टाड़ा भो मृत्यु मात्र बाकी भो हिजो तिमी भए सबै पुग्छ भन्थ्यौ आज तिम्रै कारण मुटु दुख्छ भन्छौ हिजो तिमी भए सबै पुग्छ भन्थ्यौ आज तिम्रै कारण मुटु दुख्छ भन्छौ म त पागल भए म त बहुला भए म त पागल भए म त बहुला भए हे माया गाइस ये तो है मेरी एक बेटी शैडी है यहाँ पे जर्मन शेफर्ड है वो जर्मन से आई है ये रही अरे बाद में है करना तो ये है वो मुंह दिखाओ वहाँ पे मुंह दिखाओ मुंह दिखाई की रस्म करो वहाँ पे अरे बाद में तो ये है सीन यार ये म्यूज़िक में मुझे पहले लगा कि ये दो कपल हैं ठीक है हर बार ऐसे चुनना मुश्किल हो जाता कि धोखा भाई साहब किसने दिया अब अगर वो सच्चा प्यार ना करती तो ऐसे अपनी जान थोड़ी देती पहले मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो है ऐसे धोखा दिया यार गलत बात है वो अपने पेरेंट्स और भाई से ऐसे बात करके ऐसे कर सकते हैं मुझे लगता है शायद वो माने नहीं होंगे यही होगा सीन या फिर मामला जब लेट हो जाता है ना तब ऐसे यार देखने को मिल जाता है तो मैं गलती किसी की भी नहीं कहूँगा दोनों की कहूँगा कि ऐसे अच्छे से बीच में पता क्या चीज़ आ जाती है यार कि एक लड़के की तरफ से पैसा कमाने वाला ऐसे जॉब वगैरह होनी है तो ये है सीन तो यार मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा यार सॉन्ग था ना यार प्रमोद खारेल जी बहुत अच्छे तरीके के साथ गाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाला तगड़ा सॉन्ग था मैं ये और भी वीडियो सॉन्ग बताओ यार ताकि मैं ये पता चले चलो मिलते हैं अगली वीडियो में यार मुझे बहुत सारी बातें करनी है वो मैं ऐसे बात करता रहूँगा क्योंकि अब जाना है ऐसे वहाँ से मैंने देखा एक कोई आया है डोर पे मेन डोर पे वो हम करने के बाद आपको अगली वीडियो में सब बताएंगे ओके मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो